4 अगस्त की सुबह 10 बजे जगाधरी के अनाज मंडी में इंडियन नेशनल लोकदल प्लस बहुजन समाज पार्टी के गठबंधन को लेकर एक महारैली का आयोजन होने जा रहा है, जिसे देखते हुए आज यमुनानगर के पूर्व विधायक और भावी नेता दिलबाग सिंह हमारे चैनल पर यमुनानगर की जनता से अपील करने के लिए लाइव जुड़ने जा रहे हैं। देखते हैं आने वाले समय में विधानसभा चुनावों को देखते हुए ये महारैली कहाँ तक रिकॉर्ड तोड़ेगी, कितना जनता का समर्थन इस रैली में देखने को मिलेगा, कितना जन सैलाब उमड़ेगा और इन दोनों गठबंधन की पार्टियों में आज यमुनानगर की जनता कहां तक अपना विश्वास दिखा रही है, उसकी एक बड़ी झलक, बड़ी तस्वीर इस रैली के दौरान देखने को मिलेगी। लेकिन आज यमुनानगर की जनता से एक मैसेज के लिए, उनसे अपील करने के लिए आने वाले विधानसभा चुनावों के यमुनानगर के इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के भावी नेता विधायक दिलबाग सिंह हमारे साथ जुड़ने जा रहे हैं। एक बार दिलबाग जी से जान लेते हैं कि ये दोनों पार्टियों का जो गठबंधन है हरियाणा के अंदर, यमुनानगर के अंदर, इन पार्टियों को कहां तक मजबूती दिलवाने वाला है। दिलबाग सिंह हमारे साथ जुड़े हैं। दिलबाग सर, सबसे पहले तो मैं स्वागत करती हूं अपने चैनल पर आपका, क्योंकि कीमती समय दे रहे हैं, कल रैली होने जा रही है, क्या कुछ कहना चाहेंगे सबसे पहले, कहां तक ये रैली जो है रिकॉर्ड तोड़ेगी? पहले तो आपका धन्यवाद कि आपके माध्यम से हम अपनी जो बात है वो लोगों तक रख पाते हैं। पहले तो मैं ये बताऊंगी, ये रैली नहीं है जी। ये इंडियन नेशनल लोकदल और बहुजन समाज पार्टी के जो वर्कर हैं उनका एक मिलन है, ताकि हम एक दूसरे को जान लें और दूसरे के साथ मिल के बैठ के मशवरा कर लें। ये कोई हमारी रैली नहीं है। रैली तो अभी हमारी 25 सितंबर को आएगी, जब BSP के जो मुखिया हैं वो आएंगी और हमारे जो मुखिया हैं चौटाला साहब वो जाएंगे और भी काफ़ी नेता आएंगे, तो रैली तब होगी। अब ये रैली नहीं, ये तो एक वर्कर मीटिंग है जी। लेकिन दोनों पार्टी के जो वर्कर हैं वो बहुत हैं, और जब ये वर्कर इकट्ठा होंगे तो आपको दिख जाएगा कि हमारी पार्टी दोनों पार्टियों में कितनी मजबूती है। और मुझे अपने जिला वासियों से बहुत उम्मीद है कि सब लोग आके अपना आशीर्वाद और सहयोग देंगे, क्योंकि 5 साल बाद ये समय मिलता है। और मैं सबसे यही अपील करूंगा कि वो ज़रूर आए, क्योंकि उनके सहयोग से ही हमें हौसला मिलेगा। और डेमोक्रेसी में जिस तरफ सिरों की गिनती ज़्यादा होती है, वही पार्टी सत्ता में आती है अच्छे काम करने के लिए। तो मैं आपके माध्यम से जनता से यही अपील करूंगा कि 4 तारीख को बड़ी से बड़ी संख्या में पहुंच के हमारे जो दोनों पार्टियों के नेता हैं उन्हें हौसला दें, विश्वास दें, उन्हें बताएं कि हम उनके साथ हैं। क्योंकि आज से कुछ समय पहले जो पार्लियामेंट का इलेक्शन हुआ था, पार्लियामेंट के इलेक्शन में अगर किसी भी कांग्रेसी भाई को ये गलती हो, दिमाग में गलत फहमी पाले बैठे हों कि वो लोगों ने उनको वोट दी है, उनको वोट नहीं दी लोगों ने, लोगों ने BJP को हराना था इसलिए वोट कांग्रेस को दी थी। आपने देखा होगा कि चाहे वो और कोई भी पार्टियां थी, किसी ने अपने बूथ ही नहीं लगाए, इसलिए ना लगाए कि वोट ना बट जाए, तो उनको हराना था। आज जो ये इलेक्शन है स्टेट का, लोकल मुद्दों का, कॉन्स्टिट्यूंसी के मुद्दों का, ये कोई देश का इलेक्शन नहीं है। इसमें हर पार्टी के अपने अपने मुद्दे हैं, हर अपनी पार्टी के वादे अपने अपने हैं। जो लोगों को अच्छे लगेंगे लोग उन्हें वोट देंगे, क्योंकि पिछले इलेक्शन में तो मोदी जी ने इतना डरा दिया लोगों को कि लोगों ने डरते हुए वोट ही कांग्रेस को डाल दी। लोगों ने खुशी में वोट नहीं दी कांग्रेस को, लोगों ने डरे हुए दी कि जो 400 पार का नारा था उससे ही लोग डर गए कि अगर 400 पार हो गए इनके तो देश में एक ऐसी व्यवस्था बना देंगे कि शायद दोबारा इलेक्शन ही ना हो। तो लोग इस चीज़ से डर गए और डरे हुए लोगों ने कांग्रेस को वोट दी। और कांग्रेस को क्या दी इन्होंने? इंडिया गठबंधन को वोट दी। जब उनको इंडिया गठबंधन को वोट दी, उन्हें मजबूती मिली, तो शायद मुझे लगता है कि कांग्रेसियों को गलत फहमी हो रही है। अभी 2 महीने बाद इलेक्शन है, 3 महीने 2.5 महीने बाद इलेक्शन है, तो मुझे उम्मीद है कि जो हमारे स्टेट की जनता है वो हमें अपना आशीर्वाद देगी, क्योंकि लोगों ने पिछले 20 साल से देखा कि 10 साल तो कांग्रेस को, BJP को देखा, फिर 10 साल पहले कांग्रेस को भी देखा और 5 साल उन्होंने पहले हमें भी देखा। लोग आज भी वो याद करते हैं कि चौटाला साहब हर महीने
डिस्ट्रिक्ट में आया करते थे और लोगों की समस्या सुनते थे। आज तो एमएलए नहीं सुनता, किसी भी पार्टी के जो एमएलए हैं, चाहे वो सिटिंग है बना, चाहे वो अपोजिशन का एमएलए है, चाहे सरकार का एमएलए, वो नहीं सुनता। पर जब चौटाला साहब मुख्यमंत्री थे, वो खुद आते थे और उनका हर डिस्ट्रिक्ट में आने का एक मायने थे। वो ये कहते थे कि जिस वक्त कोई भी मुख्यमंत्री किसी डिस्ट्रिक्ट में जाता है तो उस डिस्ट्रिक्ट के सारे जो ऑफिसर्स हैं या अधिकारी हैं वो सारे अलर्ट हो जाते हैं कि हमारे ज़िले में सीएम आ रहा है, कोई हमारी शिकायत ना कर दे, सड़कें ठीक करेंगे, लाइट ठीक करेंगे, हर चीज़ को व्यवस्था को ठीक करने के लिए सबकी मजबूरी बन जाती है। चौटाला साहब इसलिए आया करते थे। परंतु आज तो हमारे जो विधायक हैं या एमपी हैं, अभी देखो ये कांग्रेस का जो नया नया एमपी बना है, वो ही किसी का फ़ोन नहीं उठाता, वही किसी को नहीं मिलता। 5 साल तो बहुत लंबा समय है। आप शहर में लोगों से जिन्होंने कांग्रेस को वोट दिया है, अगर आप उनसे पूछो कि आप कांग्रेस के जिन्होंने आप जिन लोगों को कांग्रेस ने कांग्रेस को वोट दिया है, आप उस प्रत्याशी का जो था वो अपना वरुण चौधरी, उनका नंबर जानते हो? नहीं जानते। क्यों नहीं जानते? क्योंकि लोगों ने कांग्रेस को वोट नहीं दी, बीजेपी के मुखालफत में वोट दी थी। तो इसलिए मेरा पूरा विश्वास है और मैं लोगों से बहुतों से मिलता हूँ, उन्होंने हमें विश्वास भी दिलवाते हैं कि वो पार्लियामेंट का इलेक्शन तो देश को बचाने का इलेक्शन था, अब स्टेट को बचाने का इलेक्शन है। तो इसमें सबसे बढ़िया जो है लोकदल रहेगी। लोगों ने लोकदल और बीएसपी के गठबंधन को मान लिया, क्योंकि ये जो गठबंधन है ये एक गरीब का, एक मजदूर का और एक मजबूर का, इनका गठबंधन है। इन्होंने देहात को एक मजबूर कर दिया, किसान को इतना मजबूर कर दिया, इतना मजबूर कर दिया कि उनको सोचना पड़ेगा कि क्या करना क्या नहीं करना। वैसे ही मजदूर है, मजदूर की आज कोई दिहाड़ी नहीं है, ये हर देहात जो है बुरी हालत में है। तो विधायक जी, आने वाले चुनावों को देखते हुए जो कांग्रेस पार्टी है वो कुछ दावा नहीं कर रही है, बल्कि उन्होंने तो ऐलान कर दिया हरियाणा की राजनीति में अपना परचम लहराने का, तो क्या ये भी बहुत बड़ी गलत फहमी में जी रहे हैं? आप ये देखो कि हरियाणा में दो ही पार्टियों को वोट मिली जी, इंडिया गठबंधन को और एनडीए को, और किसी ने मांगी भी नहीं। सब लोगों ने वोट दी, उसके बावजूद भी कांग्रेस को तो 45 जगह ही विधानसभाओं पे उनकी जीत हुई। अब सब पार्टियां मैदान में हैं। जो पिछली बारी के कांग्रेस के 31 MLA बने थे, मैं दावे से कह सकता हूँ 25 MLA आ रहेंगे, 5-4 तो बनेंगे जो पुराने थे, 9 बन सकते हैं, लेकिन जो सिटिंग एमएलए हैं उनके, उनमें से कम भी 25 हारेंगे। मेरी बात याद रखना, इसी को नोट करके रखना। लेकिन दिलबाग सिंह जी, हरियाणा का तो पता नहीं है, लेकिन यमुनानगर में अगर हम इनेलो पार्टी की बात करें या देखें तो आपकी छवि को देखते हुए जनता आपसे बहुत सी उम्मीदें लगाई बैठी है, लेकिन जब से ये इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का बहुजन समाज पार्टी के साथ जो गठबंधन हुआ या जो ये गठबंधन की पार्टियां बनी है, इसमें जनता कितना समर्थन दिखा रही है, अपना कितना विश्वास जनता को इस गठबंधन की पार्टी में है? इस समय आप तो जनता के बीच में जा रहे हैं, क्या आपको लग रहा है इस समय? ऐसे है कि जब कोई भी व्यक्ति इलेक्शन लड़ता है, चाहे किसी पार्टी से इलेक्शन लड़ता है, तो लोग चाहे उसको कोई एक वोट दे, चाहे उसे 1,00,000 वोट दे, उसका फ़र्ज बनता है कि लोगों के बीच में रहे, क्योंकि उस व्यक्ति ने अपना उसके मत दिया, अपना उसने अपना उसको एक अपना विश्वास दिया, अपना अधिकार उस व्यक्ति को दिया। अगर तो वो व्यक्ति जीतता है तो लोगों को फिर भी मिलता है, हारने के बाद तो सभी गैप हो जाते हैं। परंतु आपने देखा होगा कि पिछले 20 साल से, चाहे मैं एक बारी जीता, दो बारी हारा, लेकिन लगातार दफ्तर में बैठा हूँ, लगातार लोगों की समस्या सुनने के लिए बैठा हूँ, लोगों के सुख दुख में बैठा हूँ, लोगों के साथ खड़ा हूँ। जरूरी नहीं है कि सबके काम होए, किसी के साथ खड़ा होना ही बहुत बड़ी बात है। मैं इसलिए लगातार लोगों के साथ खड़ा हूँ, पार्टी का आदेश है। चौटाला साहब ने मुझे ये आदेश दिया है कि तेरे को लोगों ने वोट दिया है, तेरा फर्ज बनता है लोगों के लिए खड़े होना, मैं इसलिए लोगों के बीच में खड़ा हूँ। तो इसलिए लोग मुझे प्यार करते हैं, विश्वास करते हैं मेरे पे, और जो मुझे लगता है कि मुझे इस पर लोग अच्छा विश्वास देंगे। कुछ अपील करना चाहेंगे लास्ट में हमारे चैनल के जरिए, टाइमिंग क्या रहने वाली है उस मिलन समारोह के चलते? 11 बजे 11 बजे 4 तारीख को 11 बजे अनाज मंडी जगाधरी में, जो सेक्रेटरी मिनी सेक्रेटरीट के सामने जो है, वहाँ पे 11 बजे हमारे सभी नेता पहुँचेंगे। उनके मैं जनता से अपील करूँगा कि उनकी आके जो विचार हैं वो सुने, और
उन पे विश्वास दिला के उन्हें अपना आशीर्वाद दें ताकि हम जो है जन कल्याण के काम कर सकें। तो ये थे इनेलो पार्टी से पूर्व विधायक दिलबाग सिंह, जो आने वाले चुनावों में भावी नेता भी हैं। लोग यमुनानगर में इनेलो पार्टी से नहीं बल्कि दिलबाग सिंह से बहुत सी उम्मीदें लगाए बैठे हैं। और हम बोल रहे थे कि ये रैली है 4 अगस्त की सुबह 10 बजे, ये कोई रैली नहीं है बल्कि दोनों पार्टियों को लेकर, कार्यकर्ताओं को लेकर एक मिलन समारोह होने जा रहा है, जिसमें कार्यकर्ता आपस में एक दूसरे से मिलेंगे, एक दूसरे को जानेंगे, एक दूसरे से रूबरू होंगे, तभी आगे आने वाले चुनावों में एकजुट होकर ये गठबंधन जो है हरियाणा की राजनीति में अपना परचम लहराने का जो दावा कर रहा है वो दावा साकार कर पाएगा। लेकिन ये बात भी यमुनानगर में सब जानते हैं कि पूर्व विधायक दिलबाग सिंह चाहे सत्ता में हो या ना हो, लेकिन 24 महीने में 24 घंटे हर रोज यहां पर दिलबाग सिंह के कार्यालय में जनता दरबार लगाया जाता है। मौजूदा सरकार से उम्मीदें लगाने की बजाय जनता अपनी समस्याओं को लेकर इस दरबार में पहुंचती है, क्योंकि उसकी एक ही वजह है, वो वजह है पूर्व विधायक दिलबाग सिंह, जो 24 घंटे आपको अपने इस दफ्तर में बैठे मिलते हैं। तो आज जनता बहुत सी उम्मीदें लगाई बैठी है। देखते हैं इस मिलन समारोह के चलते यमुनानगर की कितनी जनता का इस गठबंधन की पार्टी को समर्थन मिलता है, जनता कितना विश्वास दिखा रही है, उसकी एक बड़ी झलक 4 अगस्त की सुबह 11 बजे जगाधरी के अनाज मंडी में देखने को मिलेगी। तो मेरी आप लोगों से अपील रहेगी कि प्लीज जो भी इस मिलन समारोह को लाइव देखना चाहता है वो जगाधरी के अनाज मंडी में 4 अगस्त की सुबह 11 बजे मतलब आना मत भूले। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और पूरा विधायक दिलबाग सिंह के विचार आपको जैसे भी लगे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी जरूर बताएं। वीडियो जर्नलिस्ट मनप्रीत के साथ यमुनानगर से मनदीप कौर की रिपोर्ट।